हेलो स्टूडेंट, चिराग से ही। अब प्रोजेक्टाइल मोशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थियोरी इन द चैप्टर नंबर 4 एज वेल एज फॉर द 11th साइंस, और इसकी वजह से बहुत सारे फॉर्मूला हमें मिलेंगे और वो हमें आगे भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो पहले हमें ये वर्ड समझना है कि क्या है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हम लोग उसे समझेंगे, पहले प्रोजेक्टाइल को समझेंगे, उसके बाद वी गो फॉर। चल, प्रोजेक्टाइल एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन अ फ्लाइट आफ्टर इज बींग थ्रो और प्रोजेक्टेड इज कॉल अ प्रोजेक्टर। एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, क्रिकेट तो आप लोग देख रहे हो, अभी आईपीएल भी चल रहा है। कोई बॉलर बाउंड्री से बॉल थ्रो करेगा ना, तो वो सीधा फ्लैट नहीं जाएगा, ऐसा पैराबोला बना के वो थ्रो करेगा। ठीक है, तो जब भी आप बॉल थ्रो करो तो ये हवा में जैसे उड़ रहा है, तो दैट इज अ फ्लाइट। ओके, थ्रो करने के बाद ऐसे हवा में उड़ के जा रहा है और हमें अपना टारगेट ऑटोमेटिकल हम सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विकेट कीपर को थ्रो करना है और बॉलर के पास थ्रो करना है और अदर फील्डर्स के पास थ्रो करना है, तो दैट वो हमारा प्रोजेक्ट है, वो हमारा टारगेट है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब प्रोजेक्टाइल होगा उसका मोशन। द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज इन अ फ्लाइट आफ्टर इज बींग थ्रू और प्रोजेक्टेड इज कॉल अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कितनी स्पीड से उड़ रहा है हवा में, ठीक है, वो स्पीड हमें क्या दिखाएंगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट ऑफ अ मोशन। ठीक है, हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, उसके फॉर्मूला डिफाइन करेंगे और कैसे बॉल या कुछ भी थिंग हम लोग ऐसे थ्रो करेंगे तो वहां ऐसे फ्लाइट करके वहां नीचे कैसे पहुंचेगी, वो हमें डिफाइन करना है। ठीक है, टू कंपोनेंट अलॉन्ग द होरिजेंटल डायरेक्शन एक्स एक्सिस विदाउट एक्सेलरेशन। हम बॉल जब भी थ्रो करेंगे तो अपर डायरेक्शन से इधर से इस तरह से नीचे आएगा, ठीक है, अपर से डाउनवर्ड। तो यहाँ पे होरिजेंटल कंपोनेंट पे हम थ्रो नहीं कर रहे हैं, हम लोग वाई डायरेक्शन में थ्रो कर और वाई डायरेक्शन में नीचे आएगा, कैसे वो लोग हम अभी देखेंगे। द कंपोनेंट अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन इन विच कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे E इज इक्वल टू हमें G लेना पड़ेगा। ओके, इन अवर स्टडी द एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजेबल एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट ओवर द एंटायर पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ये चीज करने वाले हैं अभी। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस कभी लेने वाले नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी विच इज कॉन्स्टेंट मीन्स हमें एक ही वैल्यू यहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड हम लोग कंसिडर करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये रहा इक्वेशंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके लिए पहले सपोज द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद द वेलोसिटी वी जीरो विद द एंगल ऑफ थीटा जीरो विद द एक्स अक्ष, मींस कुछ बॉल या कुछ भी थिंग हम लोग थ्रो कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, विद द वेलोसिटी ऑफ वी जीरो और एक्स वाई कोऑर्डिनेट से थ्रो कर रहे हैं, तो उसका जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा जीरो। लेट्स सी, यहां पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, यहां से मैंने बॉल को थ्रो किया, जीरो मीन्स मैं यहाँ पे खड़ा हूँ समझ लीजिए, और यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं पे और कोई और बंदा खड़ा है, तो मैंने यहाँ से थ्रो किया इस तरह से। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो देखिए यहाँ पे एरोस दिखाया हुआ है, पहले अपवर्ड से बाद में डाउनवर्ड। ठीक है, चलो अब ये क्या दिखा रहा है, दैट इज सो इसका मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए वी शुड हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट द पर्टिकुलर पॉइंट, तो मैंने उसके टेंजेंट ड्रॉ किया विच इज वी जीरो इनिशियल वेलोसिटी जो मेरी स्पीड है या जो मैंने थ्रो किया उसकी स्पीड है, और वहां पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो क्या है, वो है थीटा जीरो, थीटा जीरो, यू कैन सी ओवर हियर नाउ। ठीक है, बॉल ऐसे अपवर्ड जाके कहाँ आएगा, ऐसे डाउनवर्ड में आने वाला है, जब भी डाउनवर्ड में आएगा उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी विद द जे कैप, जो मैंने ऑलरेडी आगे वाले स्लाइड में आपको बोला कि व्हेन वी टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस इट विल बी अ जीरो, और व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्टिकल थिंग तो बॉल अपवर्ड जाएगा उसके बाद डाउनवर्ड में आने वाला है, सो वी शुड हैव टू टेक व्हाट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। सो यू कैन सी दैट द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, चलो डाउनवर्ड आ जाएगा, यू कैन सी दैट विच इज माइनस जे कैप, माइनस जी जे कैप, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द एक्स एक्सिस विल बी जीरो, ए वाई विल बी माइनस जी। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉल जो थ्रो हो रहा है अपर वर्टिकल में जा रहा है,
डाउनवर्ड में आ रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है। यहाँ पे अभी कभी भी हॉरिजॉन्टल थ्रो की बात हमने नहीं किया हुआ है, ठीक है। चल, द कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी आर, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए कंपोनेंट की बात है, पैक्स एक्स के साथ ये क्या बनाएगा, कॉस थीटा जीरो। क्यों? क्योंकि ये एंगल यहाँ पे है और एक्स एक्स की एडजेसेंट साइड हो जाएगी। याद रखिएगा एक्स एक्स से इसलिए कॉस थीटा नहीं ले रहे हैं, जहां पे एंगल बन रहा है वहां की वो एडजेसेंट साइड है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द कॉस थीटा। सो हियर वी गेट द वी जीरो कॉस थीटा, और यहाँ पे यू कैन सी दैट फर्दर, ये देखिए वी जीरो साइन थीटा जीरो विच इज इसकी अपोजिट एंगल यहाँ पे है। यू कैन सी दैट एंगल यहाँ पे उसका अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ वी जीरो साइन थीटा जीरो, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में याद रखिएगा, अदरवाइज आप लोग नॉर्मली याद रखते हैं एक्स अक्स है तो कॉस थीटा, वाई अक्स है साइन थीटा, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन सभी जगह ये फॉलो नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रहा, मैं आपको ये सिखा भी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कौन सी एडजेसेंस और कौन सी ये होगा, ये देखिए ये मेरा एंगल है तो उसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये उसका एडजेसेंट साइड होगा ये वाला, तो दैट्स अ कॉस थीटा, और उसका अपोजिट साइड क्या होगा ये वाला, ये डॉटेड लाइन दिखाया हुआ है तो उसका ही पैरेलल ये वाला है, ये वाला उसका पैरेलल, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ वी जीरो साइन थीटा जीरो, ठीक है, ये चीज दिमाग में याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। ओके, सो v0 x इज इक्वल v0 cos थीटा, y के लिए v0 sin थीटा 0। चलो, इफ द इनिशियल पोजीशन इज टेकन एट द ओरिजिन, तो यहाँ उसके लिए इनिशियल पोजीशन के लिए x0 भी 0 हो जाएगा और y0 भी 0 हो जाएगा। तो उसका पहला फॉर्मूला x इज इक्वल टू x0 v0 t प्लस हाफ ax ax t स्क्वायर। नॉर्मली हम ये x0 लिखते नहीं है क्योंकि इनिशियल पोजीशन के लिए मोस्टली 0 होता है, नॉर्मली हम लोग इसे लिखते नहीं है। चलो अब देखते हैं वी जीरो एक्स टी, एंड यहाँ पे हमें पता है कि ए एक्स विच इज जीरो यहाँ पे दिया हुआ, यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे वी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वी जीरो कॉस थीटा जीरो टी, ये यहाँ पे फ्रॉम दिस इक्वेशन इन टू टी, उसके बाद प्लस हाफ ए एक्स, ए एक्स विल बी जीरो, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि जीरो हो जाएगा। अब उसी तरह वाई की बात करें, चलो वाई की बात करें तो ये वाई जीरो, वी जीरो वाई की जगह क्या लिखेंगे, v0 sin थीटा 0 into t, और ay की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी। ओके, तो ये हो गया v0 sin थीटा 0 t माइनस वन हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। a की जगह ay की जगह माइनस जी लिखा, ठीक है, और v0 y की जगह लिखे y0 sin थीटा, ये वापस ये देखें इसकी जगह हम लोग क्या लिखने हैं, ये लिखा ये वाला, और ay की जगह माइनस जी टी स्क्वायर। सो वी गेट दिस टू इक्वेशन फॉर द पोजिशन x एंड y। नाउ गो फॉर द वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए सेम थिंग, वी जीरो एक्स की जगह क्या लिखना है, वी जीरो कॉस थीटा जीरो, ए एक्स हमारा हो जाएगा जीरो, ऑलरेडी अपर दिया हुआ सो वो लिखने की जरूरत नहीं। अब वाई की बात करें तो वाई के लिए भी ऐसा ही, वी जीरो वाई हमें पता है, वी जीरो साइन थीटा जीरो, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी, तो ये हमें क्या मिला, वी वाई इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा जीरो माइनस जी टी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पोजीशन एज वेल एज एक्स और वाई की वेलोसिटीज। आगे देखते हैं, ओ ये बहुत बड़ा फिगर्स है, समझना है, सिर्फ हमें समझना है, ये चीज हमें पता हो गया। चलो कि ये पहला कंपोनेंट आ गया, ये हमें पता है। अब आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, तो एक्स तो हमें पता है वी जीरो कॉस थीटा जीरो आएगा, लेकिन अपवर्ड में जा रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट पे क्या मिलेगा, वी जीरो साइन थीटा जीरो माइनस जी टी। अब ये विच इज पैरेलल विद द एक्स अक्स, मीन्स ये हमारी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट के पहुंचने के बाद वो क्या है, डाउनवर्ड में आना स्टार्ट करेगा। जब भी डाउनवर्ड में आने के स्टार्ट करे तो ये v0 cos थीटा 0 है, लेकिन यहाँ पे vy 0 हो जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पैरेलल विद x एक्सिस हो गया तो वहां पे y क्या हो जाएगा, 0 होगा, यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0। डाउनवर्ड में आया तो यहाँ के उन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ से दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह ये v0 cos थीटा 0 डाउनवर्ड में है, तो ये देखिए ये पूरा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन लगाया हुआ है। डाउनवर्ड में और जाइए, ये 0 के पास आ गया, तो यहाँ पे सिंपल v0 cos थीटा 0 v0 sin थीटा 0, लेकिन उससे भी डाउनवर्ड में है, सो वी शुड हैव टू टेक अ माइनस साइन। ये चीज बहुत समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें नोट्स दिया हुआ है, यू कैन सी दैट नोट्स,
The horizontal component of a velocity remain constant throughout the motion. ठीक है, कौन सी horizontal component? Horizontal component means what? X का, X means what? V zero cos theta zero, which is remain constant throughout the practical. ये चीज याद रखिएगा, चलो आगे. But the vertical component reduces to zero at its peak of the path and again increasing in opposite directions. वर्टिकल की बात करें, ये देखिए यहां से यहां पे वो इंक्रीज हुआ, यहां पे वो जीरो हो गया, यहां पे इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है लेकिन कहां पे? डाउनवर्ड डायरेक्शंस में. ठीक है, माइनस साइन डिक्रीजिंग की भी हम लोग दिखा सकते हैं. ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ठीक, यहां पे मैक्सिमम पॉइंट पे ही वो जीरो हो जाएगा, वो ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वर्टिकल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एन इंस्टेंट टी इज गिवन बाय टी के लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी. रिजल्टेंट वेलोसिटी मींस व्हाट? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. vx स्क्वायर ये आ गया और vy स्क्वायर ये आ गया, तो उसका फॉर्मूला आ गया. उसी तरह हम लोग एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं. tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? y बाय x. तो ये देखिए tan थीटा के लिए y बाई एक्स, तो y क्या है हमारे पास? ये v0 sin थीटा 0 माइनस gt, ये रहा. आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये पॉइंट पे ये रहा, तो ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x. मैंने ये वाला डिफाइन किया, यू कैन सी दैट. ओके आप लोग, ओके आप लोग ये देख सकते हैं, दिस इज दी ये रिजल्टेंट डिफाइन किया, ये वाला vt, ये vt जो डिफाइन किया उसकी बात कर रहा हूं. तो वहां पे y, ये हो गया हमारा y vy और ये हो गया हमारा vx. ठीक है, उसकी वजह से ये हो गया हमारा फॉर्मूला. तो यहाँ पे जो एंगल जो बन रहा है, यू कैन सी दैट, यहाँ पे हम लोग दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, आपको ज्यादा पता चलेगा. यू कैन सी दैट द, ये रहा एंगल बीटा, यू कैन सी वो है. तो यहाँ पे ये आ गया टेन बीटा. क्लियर? तो ये हो गया वी जीरो साइन थीटा जीरो माइनस जी टी डिवाइड बाई वी जीरो कॉस थीटा जीरो मीन्स टेन बीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स. ठीक है, चलो अब इक्वेशंस ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और इसे ट्रेजेक्टरी पाथ बी बोल सकते हैं. और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ हमें लिटरली हमें पता चला कौन सा मिला? पैराबोला मिला. ठीक है, यहाँ पे जो हमें शेप मिल रहा है बॉल थ्रो करने के बाद, वो क्या मिल रहा है? पैराबोला. तो हम लोग मैथमेटिकली इक्वेशन के साथ कंपेयर करने वाले हैं, पैराबोला के इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे. तो लिटरली हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे पता चल जाएगा. ओके, हमें पहला एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी जीरो टी, वी जीरो एक्स इंटू टी. वी जीरो एक्स हमें पता है वो क्या है? वी जीरो कॉस थीटा जीरो इंटू टी. तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला मिला, ये डिविजन में चला जाएगा, तो टाइम विल बी व्हाट? वी जीरो डिवाइड बाई वी जीरो कॉस थीटा जीरो. चलो उसी तरह वाई का फॉर्मूला. ठीक है, अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट वी जीरो टी लिया क्योंकि हमें पता है हमारा फॉर्मूला, ये सुनिएगा, वी जीरो टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. ए एक्स मीन्स जीरो, यहाँ पे डायरेक्टली हमने वी जीरो टी लिया हुआ है. लेकिन यहाँ पे y पे हमें a की वैल्यू क्या है? माइनस जी. दैट्स व्हाई मैंने पूरा लिखा हुआ है. और v जीरो y के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा जीरो इंटू टी. चलो करना कुछ नहीं, ये t वाला जो, ये t का जो फॉर्मूला मिला है वो ये फॉर्मूला में हमें लगाना है. ठीक है, t की जगह लगा दिया x v cos थीटा जीरो. यहाँ पे x v जीरो cos थीटा जीरो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर. ठीक है, पहले x में से जो t का फॉर्मूला मिला, we have to add in a y formula. So you can on simplifying. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, एक मिनट, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. चलो सिंप्लीफाई कीजिए, तो पहले v0 कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इट बिकम टेन थीटा. और यहाँ पे x मल्टीप्लाई में ये रहा हमारा x, तो ये हो गया अपना x. चलो ये तो हो गया. अब यहाँ पे स्क्वायर कीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर क्या है? मल्टीप्लाई है, यहाँ एक्स मल्टीप्लाई में. ठीक है, समझिएगा, वन हाफ और ये पूरा का भी स्क्वायर, तो ये होगा टू वी जीरो कॉस थीटा जीरो और उसका स्क्वायर. करना कुछ नहीं, सभी का स्क्वायर किया और कुछ नहीं किया, टू और जी यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, तो यहाँ पे सिंस जी थीटा जीरो और वी जीरो आर कॉन्स्टेंट, द अबो इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ. अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा पैराबोला अकॉर्डिंग टू द मैथ्स. ये पैराबोला का इक्वेशन है, उसके साथ कंपेयर कीजिए, ऐसा ही कुछ आया. ये देखिए एक्स यहाँ पे है, यहाँ पर भी एक्स दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को राउंड करके रखा हुआ है और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर.
देखिए बीच में माइनस साइन, ये रहा उसका माइनस साइन, तो उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ए इज इक्वल टू टेन थीटा जीरो, ये इसके साथ कंपैरिजन, ए ए इज इक्वल टू टेन थीटा और बी इज इक्वल टू हो जाएगा दैट फॉर्मूला, ओके, बी इज इक्वल टू जी टू वी जीरो कॉस थीटा जीरो होल स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, क्योंकि आप जब भी थ्रो करोगे ऐसा फ्लैट नॉर्मली हमें नहीं दिखने को मिलेगा, हाँ शॉर्ट रेंज होगा, लेकिन हमें जब भी लॉन्गर डिस्टेंस थ्रो करना रहेगा, मैंने पहला बोला बाउंड्री से विकेट कीपर और बाउंड्री से बॉलर को थ्रो करना रहेगा, तो हमें ऐसा ही फ्लाइट बना के बॉल को भेजना पड़ेगा, दैट इज अ वेरी इजी वे। सो वहां पे जो सेप क्रिएट होगा वो होगा पैराबोला, ठीक है, तो ये हो गया, चलो आगे चलते हैं। देयरफॉर द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, ये आ गया, चलो नेक्स्ट। द टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ अ टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, यहां पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, हमारा थ्रो इस तरह से होगा, यहां पे जब पहुंचेगा तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट, ये पॉइंट पे यू कैन सी दैट ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट, और उसके साथ साथ यू कैन सी ओवर हियर दैट ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट, और उसके साथ साथ यहाँ पे पहुंचने में जो टाइम लगाएगा वो होगा मैक्सिमम टाइम, और फ्लाइट करने का जो टाइम होगा वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, और जो डिस्टेंस आप थ्रो कर रहे हो और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हो जाएगा हमारा रेंज, तो ये चीज याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। लेट टी एम बी द टाइम टेकन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच अ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए दे आर टेकिंग अ टी एफ, और कैपिटल टी एफ इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ऊपर जाने के लिए और डाउनवर्ड आने के लिए, टोटल टाइम मींस द टाइम ऑफ फ्लाइट व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय टीएफ, ओके, तो यहां पे हमें पता है टाइम टी इज इक्वल टू रिप्रेजेंट बाय टीएम, ओके, एट दैट पॉइंट मैक्सिमम के लिए अभी मैंने वहां पे बोला था कि व्हिच इज पैरेलल विद एक्स अक्ष, व्हिच इज पैरेलल विद एक्स अक्ष, तो यहां पे वीवाई क्या आ जाएगा, इस यही पॉइंट पे वीवाई का वैल्यू वी विल गेट द जीरो, ठीक है, ये जीरो आ जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ ये देखिए, ये फॉर्मूला v0 sin theta 0, ये नॉर्मली हमारे पास क्या है v0 y होता है, ठीक है, तो v0 y की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं v0 sin theta, और ये प्लस at ayt, तो ayt की जगह यहाँ पे वी हैव टू राइट माइनस gt, ठीक है, अब हमें क्या मिला, दिस विल बी जीरो मीन्स vy विल बी जीरो एंड देन टाइम इज रिप्रेजेंट बाई tm, नेगेटिव टर्म है उसे इस तरह इस टाइप लेके आइए, सो वी विल गेट वन, इस टाइप लेके आइए और यहां से जी को डिवाइड कीजिए, आप लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं जी टी इज इक्वल टू, मैं इस तरह से इस तरफ लेके आ गया, जी टी इज इक्वल टू यू कैन सी दैट वी जीरो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा जीरो हो गया, ठीक है, और जी भी डाउनवर्ड में आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन में, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम टाइम v0 sin theta 0 by g, यू शुड हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फॉर्मूला फॉर दैट, और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू tf, तो ये हो गया हमारे y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 लिया था, ठीक है, अब हाइट के लिए मैक्सिमम टाइम के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वी शुड हैव टू टेक y इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, हमें ये y जीरो लगाना है, ये वहां मैं लगा चुका हूं, t की जगह tf लगा दीजिए, सेम थिंग ये नेगेटिव वाला टर्म इधर लेके आइए, चलो नेगेटिव वाला टर्म इधर लेके आएंगे, सो कुछ इस तरह से इधर लेके आइए, तो वी विल राइट लाइक दिस के 1/2 बराबर लिखूंगा 1/2 जी टी स्क्वायर, tf नहीं लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर बराबर लिखूंगा वी जीरो साइन थीटा जीरो, वी जीरो साइन थीटा जीरो इंटू टी एफ, तो पहले ये समझिएगा कि आमने सामने टी एफ है, तो 1 टी एफ विल बी कैंसल आउट, ये रहा, हमें डिफाइन करना है टी, ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे डिविजन में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जी है वो डिविजन में आ जाएगा, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन वी टू वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं TF is nothing but the 2 time of the TM. ऊपर देख सकते हैं ये फॉर्मूला में सिर्फ ये 2 का डिफरेंस है. So you can write the TF is equal to 2 TM because of the symmetric nature of the
पाथ, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने ऑलरेडी वो फिगर में दिखाया मैक्सिमम हाइट कैसे डिफाइन करना है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए वी नीड अ मैक्सिमम टाइम, तो यू कैन सी दैट वाई इज इक्वल टू, यू कैन सी दैट द वाई इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा जीरो और वन हाफ वन सेकेंड, थोड़ा हाईलाइटर ले लेते हैं हम लोग यहाँ, वी जीरो साइन थीटा जीरो एंड वन हाफ जी टी स्क्वायर। चलो टी की जगह टी एम लगाना है, ठीक है। टी की जगह टी एम लगाएगा, वाई की जगह क्या आ जाएगा एच एम, और टी की जगह मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला मिला वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी, तो हमें वही लगाना है दोनों में। टी का वैल्यू वी जस्ट नीड टू टेक दिस, ओके। सो वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी, ये टाइम मैक्सिमम टाइम का फॉर्मूला जो ऑलरेडी हमने लास्ट स्लाइड में डिफाइन किया। चलो इसका स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिए, और यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन डायरेक्ट दिखा हुआ है मैंने, मैं आपको वो भी सॉल्व करके दे दूंगा, अभी वेट कीजिएगा। चलो ये देखिए वी जीरो साइन थीटा जीरो, ये भी वी जीरो साइन थीटा जीरो, तो ये हो जाएगा वी जीरो साइन वी जीरो स्क्वायर साइन थीटा जीरो, साइन थीटा जीरो स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे डिवाइड में जी है तो ये हो गया जी। चलो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस हाफ, समझिएगा माइनस हाफ, यहाँ पे भी वी जीरो स्क्वायर, ये भी साइन थीटा जीरो, चलो साइन थीटा जीरो बाय, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लोग स्क्वायर हटा रहे हैं, तो जी स्क्वायर इंटू वन हाफ, ऑलरेडी यहाँ पे जी है ये वाला जी, ये जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा जी, तो जी जी विल बी कैंसल आउट। ये देखिए पहला टर्म वी जीरो साइन थीटा जीरो स्क्वायर बाई जी, और यहाँ पे भी वी जीरो लेकिन वन हाफ साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये पूरा वन और ये पूरा हाफ, तो वन में से हाफ जाएगा तो क्या आ जाएगा हाफ वी जीरो स्क्वायर साइन थीटा जीरो बाई टू जी, ठीक है। ये थोड़ा हैंडराइटिंग ठीक से नहीं है लेकिन आप लोग समझ सकोगे। चलो उसी तरह व्हेन द मैक्सिमम हाइट इज अ प्रोजेक्टाइल वी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमारे लिए वी जीरो साइन थीटा जीरो इंटू माइनस टू जी वाई बिकम्स, ये यहाँ पे ये देखिए वी जीरो सभी स्क्वायर करके यहाँ पे लगाया हुआ है, सो यू कैन से दैट वी वाई यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से भी अल्टरनेटिव में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो वी शुड हैव टू फोकस दिस इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अब आएगा प्रोजेक्टाइल ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, सो यू कैन सी दैट आर इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इनिशियली पोजिशन, मीन्स जीरो से जीरो मीन्स इनिशियल पोजिशन के बाद थ्रो करने के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्स से टोटल टाइम के बाद वी जस्ट रीच एट द पर्टिकुलर पॉइंट, मीन्स वी जस्ट ट्रेवल पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो दैट इज नोन एज अ रेंज। तो ये देखिए ये हमारा पहला फॉर्मूला हमें पता है एक्स के लिए, वो बहुत बार देख चुके हैं, बिकम्स क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू वी जीरो कॉस थीटा जीरो इंटू टी एफ, मीन्स क्योंकि हमारा जो रेंज आएगा जो थ्रो कर रहा है वो यहाँ पे हम लोग जो डिफाइन करेंगे वो कौन से एक्स पे डिफाइन करने, वो एक्स एक्स पे डिफाइन करेंगे, तो रेंज एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, ठीक है ओके। और टी की जगह वी शुड हैव टू टेक अ मैक्सिमम टाइम, तो वहां टी एफ की जगह वैल्यूज लगाएंगे, टी एफ का जो फॉर्मूला वो लगा लिया। अब हमें पता है कि वी जस्ट नो दैट द टू साइन थीटा कॉस थीटा मैथ्स में टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा होता है, यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये याद रखिएगा वी जीरो इट बिकम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिए टू साइन थीटा कॉस थीटा, अब टू साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स व्हाट साइन टू थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग विथ अवर मैथ्स, और यहाँ डिवाइड बाई जी आ गया, सो वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ द रेंज, नॉट दैट रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द साइन, कब मैक्सिमम होगा व्हेन वी टेक साइन टू थीटा इज इक्वल टू वन, जब साइन टू थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कब वन आएगा, जस्ट व्हेन वी आर टेकिंग साइन 90,
ठीक है, साइन 90 के लिए देखिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो कब मिलेगा, व्हेन वी, यहाँ पे 1 कब आएगा, जब यहाँ पे 90 आएगा तब, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी विल गेट दैट थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्सिमम, तो यहाँ पे हमें याद रखना है ये 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्सिमम रेंज, तो ये हो जाएगा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर बाय जी, ठीक है, ओके। और इसे हम 45 से भी दिखा सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने बहुत सारे बैट्समैन की बैटिंग देखी होगी, तो आप लोग वो लोग सिर्फ फ्लिक करते हो, आधी बैट से बहुत दूर तक छक्का लगा देते हैं, तो क्यों, क्योंकि वहां उसकी बैट का एंगल जो रहेगा वो 45 के अराउंड आ जाएगा ना, तो वो मैक्सिमम हाइट कवर कर सकता है। नॉर्मली फास्टर बॉलर में तो सही, वो लोग ज्यादा दम भी नहीं लगाते, आप लोगों ने युवराज सिंह की बैटिंग देखी, वो फ्लिप करके ही छग्गा मार दिया करते थे, क्यों, क्योंकि वहां पे वो 45 एंगल बनेगा, ठीक है, तो बॉलर की जो वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर होके ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यूज करके बाद उसके बाद मैक्सिमम बाउंड्री तक मैक्सिमम डिस्टेंस वो बॉल कवर कर देगा। तो दैट इज द साइंस बिहाइंड दिस दैट सिक्सिस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर मैक्स इज आर एम इज नथिंग बट द 4 टाइम देन द एच मैक्सिमम, वेल एच मैक्सिमम भी मे बी कि जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइट का फॉर्मूला में जो एंगल हमें लेना है वो क्या लेंगे हम लोग, वी जस्ट टेकिंग अ 45, ठीक है। चल थैंक यू एंड टेक केयर, बाय। यस एंड आपके लिए बुक्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक।